समाज में जागरूकता लाने के लिए एवं भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति विकास संस्था इंडिया के द्वारा वसंत उत्सव समारोह 2019 एवं माता सरस्वती देवी का पूजन एवं भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सदस्यों ने एवं परिवारजनों ने भाग लिया। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर राजीव पॉल ने बताया कि इस अवसर पर मुख्य रूप से डॉक्टर महेश गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष नीमा, डॉक्टर ज्योति पांचाल, जिला आयुष अधिकारी इंदौर डॉक्टर दिलीप शर्मा, RNTPC डॉक्टर मनोज दुबे एवं फुटपाथ मिनी क्लिनिक और टीवी मुक्त भारत 2025 के सभी सदस्यगण उपस्थित थे। कार्यक्रम में सुरभि शीतुल व उनकी टीम के द्वारा नृत्य नाटिका के माध्यम से बेटी बचाओ का संदेश भी दिया गया। इस उपलक्ष्य में मेरे यही शब्द रहेंगे कि जिस तरह माँ सरस्वती हमको विद्या की देवी का प्रतीक है, उसी तरह हम सभी को उनके जीवन उनका आशीर्वाद बना रहे और हम लोग ये नए वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के जो सारे चिकित्सक गण हैं, हम सभी एक तरह से चिकित्सा पद्धति से जुड़े हुए हैं, सब साथी गण हैं और हम अपनी चिकित्सा पद्धति को जो जिस चिकित्सा पद्धति में विशेषता रखता है उस चिकित्सा पद्धति को और आगे बढ़ाए और जितना आगे बढ़ा सके अपने पूरे प्रयास करें। देखिए, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति विकास संस्था इंडिया एक सामाजिक संस्था है, डॉक्टर लोगों की संस्था है। हमारा मेन उद्देश्य है आज बसंतोत्सव का सेलिब्रेट करने का। आजकल हम देखते हैं जो यंग स्टार है, हमारे जो नए जेनरेशन हैं, वो भारतीय संस्कृति से दूर होते जा रहा है। कहीं ना कहीं ये हमारे समाज के लिए घातक है। हमारे भारत की जो आदि जो संस्कार है, सरस्वती देवी, संस्कार की देवी, शिक्षा की देवी, इनको हम सब भूलते जा रहे हैं।